अस्सलामुअलैकुम जी, हम आपको दिखा रहे हैं पेपर पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका। ये बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ के साथ पेपर को हल किया है। मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है। ये वो बच्चे हैं जो पूरे पूरे नंबर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से इनका ये मार्जिन लाइन नीचे डबलिंग की हुई है और उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। ये अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन देंगे तो कोई कोई भी टीचर चेककर आपके पेपर को हल मतलब कि काट नहीं सकता, पूरे पूरे नंबर देगा इंशाल्लाह, पूरे 50 के 50। अभी देखें ये पेपर को किस अंदाज से बच्चे ने पेपर हल किया। ये प्रेजेंटेशन हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे प्रेजेंटेशन कभी किसी ने आपको शेयर नहीं की होगी, कभी आपने कभी किसी ने आपको बताई नहीं होगी और जो हम आपको बता रहे हैं। ये देखें तफसीली सवालात के जवाब हैं। बच्चे की आप राइटिंग देखें, उसका अंदाज़ देखें किस तरह से उसने पेपर को हल किया, किस तरह से उसने पेपर को बनाया हुआ है। आगे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस्लामी आयन। कम अज़ कम अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये देखें पाकिस्तान और भारत के तलाक़ात हैं। ये मसला कश्मीर से उसने स्टार्ट किया और उसकी तरतीब देखें, तरतीब वाइज बच्चा आ रहा है। तरतीब वाइज सबसे पहले सिंध तासमदा, उसके बाद ताशकंद मदा, अलान लाहौर। और ये देखें ये बिल्कुल देखें इतनी प्यारी बच्चे की ये प्रेजेंटेशन, ये इसका फर्स्ट पेज है। आपकी जो सट्रक्शन है, जो आपका अंदाज़ है, वो फर्स्ट पेज से ही चेकर को नज़र आएगा कि उसकी किस तरीके से अपने पेपर को लिखा हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं सारा इस बच्चे के प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, इस बच्चे की डिज़ाइनिंग देख रहे हैं। और हमें कोशिश करनी है कि अगर हम इस अंदाज से पेपर करेंगे तो कोई भी बंदा हमारे जो पेपर है उसको गलत नहीं कर सकता। ये देखें तफसीली सवाल आते हैं, उसने 1973 के एंड के एम पहलू बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ इस बच्चे ने हल किया हुआ। पाकिस्तान और भारत के तलाक़ात हैं और इससे कि हर इस बच्चे ने कम अज़ कम इस पेज पर 5 से 6 पेज इसने लगाए हुए सवाल पे। ये 8 नंबर की बहुत ज़्यादा मवाद इसके अंदर से लिखा हुआ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हल करना है, अटैम्प्ट करना है। ये भी आप देख सकते हैं कि इसको कारगर के जंग स्टेप बच्चे की तरतीब वाइज वो बच्चे हल कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो पूरी ये देखें, इसमें एक अंडरलाइन उसने किया, ये सेक्शन नंबर, ये सेक्शन नंबर आप नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने पॉइंट पार्ट नंबर लिखना है, पार्ट नंबर A1 या पार्ट नंबर B। और ये जो इसने ऊपर मार्जिन लाइन को टच किया हुआ, ये आपने ये पेपर की खूबसूरती को ख़राब करता है, आपने इसके अंदर रहना होता है। आगे हम आपको एक जगह पे और दिखाएंगे, जब भी आप इसकी मार्जिन लाइन को टच करेंगे तो पेपर की खूबसूरती ख़राब होगी। इधर देखिए, मैंने एक जगह पे और टच किया, ये देखें इसके अंदर आपने